तो होमवर्क में आपका जो तीसरा क्वेश्चंस दिए थे, तीसरा क्वेश्चंस भी देख लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चंस है आपका 65 और 117 का मासा ज्ञात कीजिए और इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो 65 तथा 117 का मासा एल्गोरिथम विधि से, तो इन दोनों संख्याओं का मासा जब हम एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे, इसके लिए सबसे पहले चूंकि 117 इज ग्रेटर देन 65, भाग विधि का प्रयोग कर लें, 117 डिवाइडेड बाई 65, एकम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 6 5 11, पुनः ये है 65, तो 52 51 51, 5 में से 2 गया 3 और 1 13 हुआ। अभी आपका 52, 13 चौको 52, और आपका यहाँ पर शेषफल 0। तो 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 52, चूंकि शेषफल अभी शून्य नहीं था, तो 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 13, गुना 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस 0, चूंकि शेष फल शून्य है, अतः अंतिम भाजक कौन सा है? अंतिम भाजक 13, यानी अंतिम अंतिम भाजक ही मासा होगा, इसलिए मासा बराबर 13। क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चन में था कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा है उसको आप ज्ञात करिए और इस मासा को यानी इस 13 को आप ये 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त कीजिए। पुनः अब हम चलेंगे, जो हमारा मासा 13 आया है ये किस जगह से है? जहां पर आपका शेषफल शून्य है उसके ऊपर वाले संख्या पर हम जाएंगे स्टेप पर। यहां पर था कि 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 13, तो यहां से हम 13 का मान उठाएंगे, यानी 13 बराबर 65 माइनस 52 गुणे 1, ये हो गया 13 अपनी जगह पर है, ये जो 52 गुणे 1 है ये इस तरफ आया, यानी माइनस में हो जाएगा, यानी 13 बराबर 65 माइनस 52 गुणे 1, पुनः 65 65 ही है माइनस। अब आते हैं 52 पर, 52 क्या है? 52 बराबर हो जाएगा 117 माइनस 65 गुणे 1, माइनस 52 को लिखेंगे 117 माइनस 65 गुणे 1, ये आपका है 13 के बराबर, यानी 13 बराबर ब्रैकेट खोल दें 65 माइनस 117 और माइनस माइनस प्लस 65, 65 गुणे 1 मतलब सीधे हम 65 लिख देंगे। तो
अब आपके पास आया 65 प्लस 65 माइनस 117, कितनी बार 65 है, एक ये है 65, एक ये है, दो बार 65 है। इसको लिख देंगे हम 65 गुणे 2 और माइनस का 117, ये किसके बराबर, HCF के बराबर, या इसको लिखेंगे 13 बराबर 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे माइनस 1, जो कि 65x + 117y के रूप का, यानी जो हमारा मासा आया, कहा गया कि जो इन दोनों संख्याओं का आप मासा ज्ञात कीजिए और उन दोनों संख्याओं का जो मासा आए उस मासा को आप इस रूप में व्यक्त कीजिए 65x + 117y के रूप में। तो इसका मासा आ गया 13, यानी हमारा जो मासा 13 आया था जहां पर शेषफल शून्य हुआ था और उसके ऊपर वाले टर्म पर जाएंगे, ये 13 हमारा आया था 65 - 52 - 1 के रूप का। यहाँ से हम 52 का मान ज्ञात कर लेंगे, 52 है हमारा, 117 - 65 - 1, ब्रेकेट ओपन करेंगे जो आपका चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, चिन्ह बदलने पर आपका आ गया एक 13 बराबर, यानी कि HCF 13 मतलब HCF, HCF बराबर हो गया आपका 65 - 2 + 117 - 1। अगर इसमें हमको सारा मान भी बताना हो तो x का मान 2, y का मान -1, तो आपका 65 - 2 + 117 - 1 आपका 65x + 117y के रूप का है।